All right, let's begin. So today we are going to start new chapter, which is legal status and type of registered companies. So we'll take after the pause. So the chapter is about, सबसे पहले company को जान लेंगे अच्छे से, company क्या होती है, company के features कैसे होते हैं, all of that. उसके बाद types of companies, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये जो जिसका हमने झलक देखा हुआ है ना, यस, सो उसको हम अच्छे से डीपली यहाँ पे देखने वाले हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपनी. ठीक है, तो दो मिनट के लिए डेस्क क्लीन करें, कुछ लिखे नहीं, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. अभी सिर्फ आपको स्क्रीन पे फोकस करना है और अच्छे से समझ लेना है कंपनी और कंपनी के फीचर्स. ठीक है, अब सबसे पहले कंपनी, हमने ये हमारे लिए एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है. ठीक है, इट इज एन एडिशन ऑफ टू वर्ड्स व्हिच इज को प्लस पेनिस. अक्षय, को मीन्स टुगेदर, कम ऑन, को मीन्स टुगेदर, एंड पेनिस मीन्स ब्रेड. So, वहां पे उसको ब्रेड बुलाते थे. वेर इन पीपल यूज टू हैव देयर डिनर्स, लंचेस, फूड टुगेदर. सो को मीन्स टुगेदर एंड हैविंग ब्रेड टुगेदर. एंड आफ्टर दैट दैट फ्रेंडशिप ऑफ देयर्स, दैट कंपनी ऑफ देयर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू सम बिजनेस डीलिंग्स आल्सो. तो वो बिजनेस डीलिंग्स भी साथ में करने लग गए एंड फ्रॉम देयर वी गॉट अ वर्ड दैट इज कंपनी. अब कंपनी का ना एक बहुत ही यूनिक और डिस्टिंक्ट फीचर है जिसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. कम ऑन, से दैट, सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी अलग होती है और उसको फॉर्म करने वाले जो उसके शेयर होल्डर्स बुला लो, मेंबर्स बुला लो, जो भी बोलो, उसको जो फॉर्म करते हैं ना, वो लोग अलग होते हैं. See, आप सबको सोल प्रोप्राइटरशिप पता है, राइट? वहां क्या होता है, कंपनी एंड द मेंबर इज वन एंड द सेम. कंपनी की पहचान उसके मेंबर से होती है. बट टेल मी, रिलायंस की पहचान उसके मेंबर से है? मेरा भी सपोज रिलायंस में शेयर है, तो क्या आप मेरा चेहरा देखते हो रिलायंस नाम लेते? नहीं. सो कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स एंड द मेंबर्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर टू डिफरेंट पीपल. Can another company also hold share in Reliance company? Yes. Can anyone, like any kind of association of persons, or jointly they can hold shares, individually you can hold shares, in a company format you can hold shares in another company. तो आप दूसरे कंपनी में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो. Yes, but इनके बीच में क्या है, ये एक वेल है. क्या बोलते हैं इसको, वेल. वेल का मतलब होता है पर्दा. और इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. वन मिनट, मैं सिर्फ ये माइक का. ओके, ये कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो रहा है, फोकस प्लीज. ये कॉन्सेप्ट की वजह से दीज शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड. बोलो, दीज शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड या फिर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी. फ्रॉम द लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी पे कोई भी लायबिलिटी आई, शेयर होल्डर को अपने पॉकेट से नहीं देना. Yes. उसको उतना ही देना जितना उसका शेयर का प्राइस है, जितना उसने गारंटी दिया है. Yes. उतना ही पैसा उसको देना. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. एक दूसरा फीचर होता है कंपनी का, विच इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन. क्या बुलाते हैं, परपेचुअल सक्सेशन.
What is this concept? Continuation. Yes. Members आए या जाए, कंपनी चलते रहेगी. तो आज किसी शेयरहोल्डर की डेथ हो गई, कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं. तो मेंबर्स में कम और गो, बट द कंपनी गोज ऑन, दिस इज परपेचुअल सक्सेशन. ब्लूटूथ वर आहे हे करा लागेल. FM डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ ठीक है. This is your perpetual succession. तो दो concepts हमने सीख लिए. पहला concept separate legal entity, दूसरा concept perpetual succession. और क्या features है company के? Anybody few? Come on, think. Limited liability depends. Type of company on the basis of liability. Limited भी हो सकता है, unlimited भी हो सकता है, limited by shares हो सकता है, limited by guarantee हो सकता है. Yes. Now another feature is company can do almost all the things that an individual can do. चलो मैं को बोलो, individual क्या क्या कर सकता है? क्या individual sue कर सकता है? Company भी sue कर सकती है. क्या individual immovable property खरीद सकता है? Yes. किसके नाम पे? खुद के नाम पे. वैसे ही कंपनी भी अपने खुद के नाम पर immovable property या कोई भी asset खरीद सकती है. लैंड, बिल्डिंग, कार, टीवी, लैपटॉप्स कंपनी अपने नाम पर खरीद सकती है. यस. जैसे इंडिविजुअल साइन करता है, क्या वैसे कंपनी भी साइन कर सकती है? यस. देयर कुड बी अ कॉमन सील, या फिर कंपनी पे बिहाफ पे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से दो लोग, या फिर उनकी कंपनी सेक्रेटरीज साइन कर सकते हैं. समझ आ रहा है? यस. और क्या कर सकती है एक इंडिविजुअल? कैन दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? यस, एन इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, yes, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप फीस दोगे, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वैसे ही कंपनी कैन आल्सो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. क्या कंपनी, क्या इंडिविजुअल लाइबिलिटीज इनकर कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं इंडिविजुअल? वैसे कंपनी भी अपने खुद के नाम पर लोन ले सकती है. तो ये सारी चीजें जो इंडिविजुअल कर सकता है वो कंपनी भी कर सकती है, बराबर ना? बट कुछ चीजें ऐसी है जो कंपनी नहीं कर सकती. क्या ना, कंपनी मैरी, कंपनी शादी कर सकती है क्या? नहीं. क्या ना, कंपनी टेक अ ओथ कर सकती है क्या? कसम खाना, ओथ लेना, क्या ये कंपनी कर सकती है क्या? नहीं. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी नहीं. क्या कंपनी जेल जा सकती है? नहीं. इंडिविजुअल जा सकता है? यस. ओके, सॉरी. तो ये सारी चीजें कुछ कंपनी कर सकती है, ये सारी चीजें कंपनी नहीं कर सकती. अब कंपनी होना मतलब क्या? तो कंपनी में क्या होता है? अच्छा, कौन बनाने वाला कौन है कंपनी को? जैसे आपका जन्म नेचुरल बर्थ से होता है, पार्टनरशिप का जन्म एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है, वैसे कंपनी का जन्म कैसे होता है? तो करते क्या है वो? प्रेग्नेंट होता है वो भी? नहीं. फिर कैन वी आंसर इन वन वर्ड योर, व्हाट डू दे डू? Incorporation. Can we have another word? Registration. तो registration करते ही company क्या हो जाती है? जन्म लेती है, incorporate हो जाती है. So what is required is a registration procedure. Registration कर लो, company incorporated. बराबर ना? Company का जन्म हो जाएगा. तो जैसे ही group of people आकर, तो कंपनी कैसे शुरू हो सकती है? कुछ लोगों को साथ में आना है, वो सारा अपना अपना पैसा लेकर आएंगे, और इन सारे पैसों को हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल. और इन सारे लोगों को ना हम एक लीगल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, या इनको क्लोथ कर देते हैं विद अ लीगल पर्सनालिटी, और उनका फॉर्म चेंज करके हम उसको क्या घोषित कर देते हैं? कंपनी. So these all shareholders together, they are clothed with a legal personality and they get converted into a company format, in a company form. Jaise aapke formats hote hain, PDF ka word mein convert, word ka PDF mein convert, you can change the format.
वैसे यहाँ पे ऑल्सो वेन पीपल शेयर होल्डर्स कम टुगेदर एंड देर क्लोथ विद लीगल पर्सनैलिटी, विद अ लीगल पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती यहाँ पे, एक लीगल पर्सनैलिटी सामने आती है विच इज नोन एज अ कंपनी. यस, सो जो हमारा अभी मेन फोकस होगा, व्हाट इज अ कंपनी, एंड ये जो मेन कंपनी का फीचर है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो बहुत फायदेमंद फीचर है फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेन कॉन्सेप्ट हमें आज मेनली फोकस करना है. ठीक है, लेट्स बिगिन. वर्ड कंपनी हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. कॉम्प मीन्स विद और टुगेदर, पनीस मीन्स ब्रेड. इन द लेजली पास्ट मर्चेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स टू डिस्कस बिजनेस मैटर्स. नाउअडेज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस. व्हेन दे फॉर्म्स देयर बिजनेस रिलेशंस दे फॉर्म अ कंपनी. इन पॉपुलर पर्लेंस अ कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग. सो कैन वी से दे आर ऑल लाइक माइंडेड पर्सन्स? यस, लाइक माइंडेड इन द सेंस कि देखो, रिलायंस इज बिलोंगिंग टू वन इंडस्ट्री, टाटा बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री, एयरटेल बिलोंग्स टू द टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो ऐसे सबकी एक इंडस्ट्री होती है. एमक्योर फार्मा इंडस्ट्री, तो हमें जिस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है उसी के हम शेयर्स खरीदते हैं, है ना? तो उस कंपनी में जो जो इन्वेस्ट करते हैं, दे विल ऑल बी टर्म्ड एज लाइक माइंडेड पीपल. देन अ कंपनी अंडर लॉ इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम होम मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट. तो एक कंपनी एक बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी है, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, उसकी क्या नाम है? कॉर्पोरेट बॉडी. एंड लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इट इज कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग इट आर मेड इन टू वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अकॉर्डिंग टू लॉ. तो आपको वो कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे एक हो जाएंगे. अब जो सारे रिलायंस के शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल्स थे, अब वो एक हो जाएंगे एज रिलायंस कंपनी. सो वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड क्लोदिंग इट विद लीगल पर्सनैलिटी. द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म विच मीन्स कॉर्पस, विच मीन्स अ बॉडी. ओके, अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. वी डिस्कस्ड इट, आपका जन्म नेचुरल बर्थ से हुआ है, कंपनी का लॉ के प्रोसीजर से, लीगल प्रोसीजर से. एज अ लीगल पर्सन अ कॉर्पोरेट इज केपेबल ऑफ एंजॉइंग मेनी राइट्स. डज द कंपनी एंजॉय राइट्स? यस, कंपनी के अपने अधिकार होते हैं. यस, इनकर्स मेनी लाइबिलिटीज. इनकरिंग लाइबिलिटीज, लोन लेना, डिबेंचर्स इश्यू करना, क्रेडिटर्स, दे आर ऑल इनकरिंग लाइबिलिटीज ऑफ अ नेचुरल पर्सन. तो ये सारे जो नेचुरल पर्सन के राइट्स होते हैं वो कंपनी को भी मिलते हैं. एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एग्जिस्टेंस ईदर टू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू कंपनी लॉ. अब कंपनी जो जन्म लेगी, इधर कंपनी लॉ के थ्रू जन्म लेगी या वाया स्पेशल एक्ट. अब स्पेशल एक्ट वाले जो है आपके LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे ऑल फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट. पब्लिक कॉर्पोरेशन लाइक LIC ऑफ इंडिया, SBI, व्हाट इज SBI? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. डाउट है? नहीं, सेम. Have been brought into existence through special acts of parliament, whereas companies like Tata Steel Limited, Reliance Industries Limited have been formed by company law. तो ये पैराग्राफ कहता है दो तरीके से कंपनी सामने आ रही है, by special act और by companies law. Special act वाले examples LIC, SBI, RBI, और company law वाले Tata Steels, Reliance, कोई भी नाम ले लो आप. Easy? Then definition. सबसे इजी डेफिनेशन कंपनी का सब साथ में बोलेंगे. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अब ये जो डेफिनेशन है ना, दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर. व्हाट इज द प्रोसीजर? इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर. दे आर फोकसिंग ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई भी रजिस्टर करने आया ना एज अ कंपनी, हम उसको कंपनी बुलाते हैं.
बाकी कुछ फीचर्स वीचर्स बोला ही नहीं. कंपनी ऐसी होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी ऐसी होती है जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कुछ नहीं. कंपनी वो है जिसने कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया है. आपने क्लास में रजिस्टर किया, आप आईकैन के स्टूडेंट बन गए. रजिस्ट्रेशन से आप क्या बन गए? स्टूडेंट. क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक से आपको डिफाइन किया गया? नहीं. स्टूडेंट हु हैज रजिस्टर्ड विद आईकैन इज अ स्टूडेंट ऑफ आईकैन. वैसे ही कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड विद कंपनीज एक्ट इज अ कंपनी. नाउ कंपनी एक्ट ये वाला व्हिच इज कंपनीज एक्ट 2013, प्रीवियस कंपनी लॉ बोला. ठीक है, अब लॉ में एक्ट भी आता है. एक्ट इज अ बेबी ऑफ लॉ. तो एक्ट जो है कुड बी 1956 वाला एक्ट या उसके पहले जो भी लॉ हुआ करता था उसके अंडर फॉर्म की हुई कंपनी. ओके, सो कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दैट इज 2013 एक्ट, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ व्हिच मींस 1956 एक्ट और प्रीवियस लॉज. इजी? देन इन कॉमन लॉ अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम एंड केपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स. सबसे पहले वर्ड यूज किया इट्स अ लीगल पर्सन. जैसे हम एक पर्सन है वैसे वो भी एक पर्सन है, बट आगे क्या प्रीफिक्स लगाया? लीगल. क्योंकि लीगल क्यों लगाया? उसका बर्थ कैसे हुआ है? लॉ के वजह से. लॉ मीन्स लीगल, लीगल पर्सन. लीगल एंटिटी, एंटिटी मीन्स अ बॉडी. अ कंपनी मतलब एंटिटी मीन्स है ना ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी. अगेन लीगल वर्ड क्यों लगाया? क्रिएटेड बाय लॉ. सेपरेट फॉर्म, सेपरेट फॉर्म बराबर ना, शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी इज सेपरेट, इसलिए क्या वर्ड यूज किया? सेपरेट फॉर्म. केपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ द मेंबर्स, इसके लिए वन वर्ड देना. वेरी गुड. परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन. सो केपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स. मेंबर की लाइफ भले ही खत्म हो जाए कंपनी की नहीं होगी. फिर कंपनी की लाइफ कब खत्म होगी? वाइनिंग अप. कौन करता है? लॉ. अगेन लॉ, लॉ ही जन्म देता है और लॉ ही खत्म करता है. खत्म अगर करना है तो आपको वापस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उनका नाम हटाना पड़ेगा उस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से, रजिस्टर ऑफ कंपनी से. उससे आप हो सकते हो, कैंसल आउट हो सकता है, वाइंड अप हो सकती है. अ कंपनी इज रादर अ लीगल डिवाइस फॉर द अटेनमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड. तो ये कुछ अब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हेलो हेलो कंपनी के बारे में. सबसे पहले कहा लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फॉर्म है, परपेचुअल सक्सेशन है. लीगल एंटिटी, लीगल फॉर्म, सेपरेट फॉर्म एंड परपेचुअल सक्सेशन. इट्स अ लीगल डिवाइस फॉर अटेनमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड. इकोनॉमिक एंड मींस नीड्स दिखा रहा है, ह्यूमन नीड्स है, हमारे नीड्स है, इसलिए बिजनेसेस बने हैं, इसलिए कंपनीज बन रहे हैं. हमें पेट्रोल लगता है, पेट्रोलियम कंपनी. हमें बॉटल्स की जरूरत है, बॉटल्स की कंपनी. फोन की कंपनी. रिचार्ज मतलब टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज. तो ऐसे कंपनीज बने जा रहे हैं फॉर आर नीड्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड्स एंड सोशल एंड्स. इट इज देयरफॉर कंबाइंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल इंस्टीट्यूशन. दस द टर्म कंपनी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज. इट मीन्स अ कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंडक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज. कोऑपरेशन, कोऑपरेशन समझते हैं हम, बोलते हैं ना प्लीज कोऑपरेट करें. यस, सो कोऑपरेशन बिकॉज सारे लोग मिलकर चलाते हैं ना, एक बंदा चला सकता है क्या? नहीं. यू रिक्वायर अ टीम, द टीम कोऑपरेशन टू वर्क अ कंपनी, है ना. सो कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंडक्ट ऑफ एन एंटरप्राइज. इट इज एन इंटीग्रेट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन बाय होम प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हायर कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको प्रोफेशनल्स चलाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स. सी प्रोफेशनल्स ओनली मीन डजंट मीन वी ऑल. सीए सीएसए में ऐसा नहीं, एडवोकेट ऐसा नहीं, जिसके पास डिग्री है ऐसा भी जरूरी नहीं है. दे जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजिंग, दे जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजिंग. क्या कभी स्कूल नहीं गया हुआ बंदा भी कर सकता है? Absolutely yes. Okay, he should just know how to manage. Okay, managers who hire capital from the investors. अब तीन definitions हमारे सामने हैं. सबसे पहले Lord Justice ने एक definition दिया है. Lord Justice Linley, he has defined a company as. हम उसको break कर करके समझेंगे. सबसे पहले it is association of many
persons. कौन है वो लोग, उनको क्या बुलाते हैं हम, शेयर होल्डर्स. क्या बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स. क्या करते हैं वो, कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू द कॉमन स्टॉक. व्हाट इज कॉमन स्टॉक का मतलब, कैपिटल. कॉमन स्टॉक मतलब कैपिटल. हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ. कोई कोई जो हाँ शेयर होल्डर्स है वो एसेट भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि लैंड लेकर आ गए, बिल्डिंग लेकर आ गए, मशीनरी लेकर आ गए. यस, सो कॉमन स्टॉक मीन्स कैपिटल. एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस. एंड हु शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम. तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स तक कैसे पहुंचता है, वाया क्या देते हैं उनको, डिविडेंड्स. तो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बढ़ता है, तो प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स. तो अभी तक हमने सीखा इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो पैसे या पैसे का वर्थ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर सम ट्रेड और बिजनेस, और उससे जो प्रॉफिट आता है उसका क्या होता है, बंटवारा. इजी. नेक्स्ट, द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज व्हाट, कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो अगर सपोज कॉमन स्टॉक में एसेट आया है, उस एसेट में ऐसा लिखते हैं क्या अपन, कैपिटल में कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है आपने, कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख प्लस बिल्डिंग. 1 लाख प्लस बिल्डिंग का मनीज वर्थ लिखते हैं ना, जैसे कि 4 लाख की बिल्डिंग, तो टोटल कैपिटल 5 लाख. ऐसे समझ आ रहा है. सो दे आर सेइंग कि द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैसे डिनोट किया जाता है, इन मनी. सो डिनोटेड इन मनी. एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इट और फॉर्म इट और होम इट बिलोंग्स टू आर मेंबर्स. बनाने वाला जो बाद में आकर और कैपिटल लगाता है, या जो उसको जिसको वो बिलोंग करती है कंपनी, उन सबको क्या कहते हैं, मेंबर्स. द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू विच ईच मेंबर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड Entitled is his share. क्या जरूरी है हर कोई बंदा उतना ही कैपिटल लेकर आए, सेम अमाउंट. तूने 1 लाख लाया तो तूने इसने भी 1 लाख लाना जरूरी है, नहीं. हर कोई अपने अपने हिसाब से लेके आता है और उसको उतना अपना हिस्सा कंपनी का मिलता है. तो यहाँ पे शेयर मीन्स हिस्सा. ओके, तो आपको उतना कंपनी का ओनरशिप मिलता है, उतना कंपनी का हिस्सा मिलता है. सो इज एंटाइटल्ड इन ए शेयर. द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल. शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल. तो मेरा शेयर क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ, यस, बट ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इन विच केस प्राइवेट कंपनी. वेरी गुड. ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम मे बी रिस्ट्रिक्टेड. तो राइट टू ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है. तो हमने इस डेफिनेशन में कौन से पॉइंट्स देखे. सबसे पहले ये एक लिखो मत, आई गिव यू टाइम. सबसे पहले ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ये सब क्या करते हैं, पैसे या फिर मनीज वर्थ कंट्रीब्यूट करते हैं. किस बात के लिए, कोई ट्रेड या बिजनेस करने के लिए. अच्छा, इस ट्रेड और बिजनेस से क्या जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट्स, और इससे क्या हो रहा है, डिवाइडेड अमंग्स द, यस, इट इज बीन डिवाइडेड अमंग्स देम. बराबर ना. देन उसके बाद वो बोल रहे हैं जो पैसा आ रहा है, द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैसे डिनोट किया जाता है, इन मनी. सो इट इज डिनोटेड इन मनी. और आगे बोला है द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू विच ईच मेंबर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इज एंटाइटल्ड एज हिज शेयर. सो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज हिज शेयर. बराबर है. अब ये शेयर्स कैसे हो सकते हैं, दे आर ट्रांसफरेबल. कैन देयर बी रिस्ट्रिक्शंस, यस, मे बी विद रिस्ट्रिक्शंस. इसका पर्सपेक्टिव आपको क्लियर है, लिंडली का, यस. नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, चीफ जस्टिस मार्शल. चीफ जस्टिस मार्शल ने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं. अच्छा, यू वांट टू नोट दिस, यू कैन. ये किसका पर्सपेक्टिव है, लिंडली. यस, yes.
association of persons. They all contribute money or money's worth in the trade or business, and profits are distributed amongst themselves. The portion of capital contributed by each member is known as the share of that member. Those shares are transferable, but maybe with restrictions. Okay. Sorry. Kiske? BIZ is business, huh? Short form of business. Exam official nahi hai ye. Exam mein mat likhna. Biz. Okay. Next point. जब लिखते हो ना इतने कॉन्सेंट्रेशन से लिखो कि लिखते वक्त ही लर्न हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट. तूने ज्वाइन किया? नहीं, दूसरा है ना ये. कौन है? तेरे से फेस है थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट पॉइंट, चीफ जस्टिस मार्शल. अब ये ना, इन्होंने कंपनी के लिए सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, ठीक है? वो कंपनी को डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय द फीचर्स ऑफ द कंपनी. सबसे पहले वो कहते हैं अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग. ऑब्वियसली कॉमन सेंस, इट्स एन आर्टिफिशियल बीइंग. ह्यूमन बीइंग वैसे आर्टिफिशियल बीइंग. नेक्स्ट, इनविजिबल. मैम दिखती है कंपनी? दिखती है ना कंपनी? कंपनी दिखती है ना आपको? वो कंपनी की बिल्डिंग होती है. कंपनी नहीं होती, वो क्या होती है? कंपनी की बिल्डिंग. कंपनी थोड़ी दिखती है, राइट? सो यू कैन नॉट सी अ कंपनी, इट इज इनविजिबल. दूसरा, इनटेंजिबल. यू कैन नॉट टच अ कंपनी. इनविजिबल है तो टच भी कैसे करोगे, राइट? सो इनविजिबल, इनटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, एग्जिस्टिंग ओनली एज पर द कंट्रोल्स ऑफ द लॉ, है ना? सो लॉ के हिसाब से वो है, लॉ के हिसाब से वो, मतलब उसी ने क्रिएट किया है ना, बराबर? तो वो लॉ के आंखों में वो मौजूद है. हमारे लिए वो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, आर्टिफिशियल है, ठीक है? आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. Being mere creation of law, law ne banaya hai, to law hi bolega na kaisi hogi, law hi batayega kaisi hogi, law hi batayega ki liability limited hogi ya nahi, law hi batayega ki perpetual succession hoga ya nahi. Jaise aapke bhi kuch features hote hain, आपके बालों का कलर, आपकी आंखें, आपका नोज, कैसे डिसाइड होता है? आपके पेरेंट्स की वजह से, उनकी वजह से आपका डिसाइड होता है ना. तो वैसे ही कंपनी क्या होगी, किसकी वजह से डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा. लॉ बताएगा कि कंपनी के फीचर्स क्या होंगे. क्या वो चेंज भी कर सकती है? यस. क्या वो मॉडिफाई कर सकती है? यस. कल को हो सकता है वो चेंज ही कर दे पूरे फीचर्स. यस, कर सकती है बिंदास, उन्होंने तो क्रिएट किया है. तो लॉ ही तो बोल रहा है ये आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, सारे फीचर्स किसने डाले उसमें? लॉ ने. ओके,
being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation, charter of its creation, banane wala kon hai, law, charter of its creation kon hai, law, confers upon it either expressly, batakar, expressly means by words, batakar, company kaisi hogi ye कौन बताएगा लॉ एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस कुछ चीजें दे आर वेरी इंसिडेंटल टू इट्स एग्जिस्टेंस जैसे कि आपको बाय बर्थ कुछ चीजें हैं कुछ चीजें आप डेवलप करते हो बराबर तो कुछ चीजें एक्सप्रेसली आपके पेरेंट्स आप में डालते हैं जैसे कि आपके संस्कार आपके गुण और कुछ चीजें इनहेरेंटली उन्होंने आपको दी है बराबर ना बाय द वेरी एग्जिस्टेंस जैसे आप जन्मे थे वैसे ही थे सब था ना आंख मुंह कान सब था आपके पास यस सो वो बाय जन्म ही था दैट इज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस एंड कुछ चीजें एक्सप्रेसली डाली जाती है समझ आ रहा है कुछ चीजें आप में आपके एटीट्यूड आपके गुण एक्सप्रेसली डाली गई हुई चीजें सो बाय इट्स एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस सो सबसे पहले आपको चार शब्द याद रखने हैं आर्टिफिशियल बींग इंटेंजिबल इनविजिबल एंड एग्जिस्टेंस ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ कौन बनाने वाला है लॉ सो बींग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ उसमें वही सारे प्रॉपर्टीज होती है जो चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट बींग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन बोलो चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन मतलब ही कौन लॉ confers upon it ठीक है either dash or dash expressly or incidental to its very existence either expressly या incidental to its very existence then let's write it properly in a way कि आपको learn हो जाए कौन है ये chief हाँ बेटा but then I think this one is more easier chief justice marshall का I'll show you how to learn it. Dekho, fir, then you can tell me which one you want to. Usse to Companies Act wala achha hai. Companies Act wala better hai.
लर्न भी हो क्या? हो क्या होगा? थर्टी सेकेंड्स ट्राई लर्निंग हो जाएगा। पहले चार फीचर्स, फिर मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, ओनली दोज प्रॉपर्टीज चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट इधर डैश और डैश एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एक्सिस्टेंस। और पहले चार वर्ड्स इजी है, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट रेडी? Last definition, Justice James Companies and AOP. What is AOP? Association of Persons United for a Common Object. Sab saath mein aaye hai for a common object. These definitions clearly bring out the meaning of the company. So these definitions together, yes, Shardul, these definitions together bring the meaning of the company. Isliye tino learn karo. A company comes into existence only when it is registered under the act. When it is registered, it has a legal personality of its own, separate and distinct from its members. Unregistered company has no such separate legal existence. Company is created by law and law alone can, law hi akela usko dissolve kar sakta hai. Now our first case law in our syllabus, let's check. What is it about? G.V. Pratap Reddy through GPA TSR Research Private Limited versus KVVSN Associates and others. ये केस लॉ का नाम है। अब पहले तो केस लॉ का नाम क्या दर्शाता है? जो पहला नाम होता है generally, he is the one who is filing the case. जो दूसरा नाम होता है उसके अगेंस्ट केस फाइल होता है, defendant, okay? Complainant and defendant, okay? अब कैसा होता है? अगर रीकेस हुआ तो नाम स्विच हो सकते हैं, बराबर ना? अगर और हायर लेवल पे केसेस जा रहे हैं, जैसे कि एनसीएलटी एनसीएलएटी से नहीं मिला, आपको हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो जब जैसे कोई रीअपील फाइल होता है, नाम चेंज हो सकता है। यहाँ पे नाम चेंज हुआ हुआ है, केस वॉज फाइल्ड बाय के वी वी एस एन एसोसिएट्स, ओके, अगेंस्ट प्रताप रेड्डी। अब यहाँ पे क्या हुआ था? There was a company of Telangana state in the Telangana state और उन्होंने ना tenders issue किए थे। क्या issue किए थे? Tenders. You understand tenders? तो मेरी एक company है और मैं tenders issue करती हूँ। Quotation पता है? Yeah. आपको bike लेनी होती है suppose। अब चार पांच shops से, चार पांच dealers, vehicle dealers से क्या मंगाते हो? Quotations. फिर उनमें से आप सारे आप कंपेयर करते हो, क्या कौन देने वाला है, कितना देने वाला है, और प्राइजेस को कंपेयर करके आप अच्छा सा बिड आपके लिए चूज करते हो। वैसे ही कंपनीज क्या करती है, अलग अलग सप्लायर्स से कोटेशंस मंगाती है कि आप रॉ मटेरियल किस प्राइस पे दोगे और क्या फीचर्स दोगे, आप कौन से प्राइस पे दोगे, आप कौन से प्राइस पे दोगे, ऐसे कोटेशंस लोग सबमिट करते हैं कंपनी के पास। सो कंपनी सिर्फ एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देगी कि हमें इस मटेरियल की जरूरत है, सबमिट इन योर टेंडर्स। तो लोग अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट कोटेशन बना के लेकर आएंगे, कंपनी विल डिसाइड। इसको कहते हैं टेंडर्स। अब कंपनी ने ये टेंडर इश्यू किया था और एडवर्टाइजमेंट में लिखा था ओनली इंडिविजुअल्स एंड कंपनी टू अप्लाई, ओनली इंडिविजुअल एंड कंपनी टू अप्लाई। अब ये जो है KVVSN Associates and others, does it sound like an individual? Does it sound like a company? आगे limited, private limited है? It sounds like a partnership firm. It's a partnership firm. इन्होंने भी tender submit किया. इन्होंने tender submit किया. अब इनका tender अच्छा भी था. अच्छा, मतलब it could have got selected because of the lowest bid. But problem ये था कि ये कौन है? Partnership firm. उन्होंने क्या बोला था? Has to be a individual or a company. तो ये टेंडर क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया और दूसरे बंदे का टेंडर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? अब जब टेंडर रिजेक्ट हुआ, उन्होंने केस फाइल किया। उनका कहना था, वो अपने डिफेंस में कोर्ट में बोल रहे हैं कि वहां पे इंडिविजुअल और कंपनी लिखा है, बट कंपनी का मतलब वो वाली कंपनी नहीं कि जो यू नो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट वाली कंपनी नहीं बोल रहे, वो उन्होंने कंपनी ऐसा टर्म किया, यूज किया है, जैसे कि क्योंकि ये बिजनेस है ना, अब एसोसिएट्स के एंगल से सोचो, एसोसिएट्स का कहना था उनको रॉ मटेरियल से मतलब है, देने वाले कोई भी हो ना,
इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एसोसिएशन हो, उनको किससे मतलब है? रॉ मटेरियल्स। तो उनका कहना था कि कंपनी को वो कंपनी सेंस में नहीं बोलना था कि ऐसी वाली कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, कोई भी लोग जो कंपनी मतलब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उनको ये बताना था। अब इंडिविजुअल इन्वॉल्व किया तो फर्म क्यों नहीं? समझ आ रहा है ना आपको? तब जाके कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कंपनी कहीं पे भी अगर वर्ड यूज हुआ है तो इट हैज टू बी टेकन एज पर द टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दे लॉस्ट द केस। सो देयर टेंडर वाज रिजेक्टेड एंड इट वाज राइट बिकॉज उन्होंने क्लियरली लिखा था दे वांटेड अ इंडिविजुअल एंड अ कंपनी। हम ऐसा क्यों? उनकी मर्जी है ना, उनको जिससे लेना है लेंगे, वी कांट बी एनीबॉडी टू से योर। उनका कुछ होगा, उनको कंपनी या इंडिविजुअल से ही लेना होगा दैट वे। समझ आ रहा है? चेक। इन जीवी प्रताप रेड्डी थ्रू जीपीए टीएसआर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केवीवीएस एंड एसोसिएट्स एंड अदर्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट व्हेन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर बाय स्टेट ऑफ तेलंगाना, तो स्टेट ऑफ तेलंगाना ने टेंडर्स मंगाए थे, रिक्वायर्ड द बिडर, बिडर कौन होगा? जो टेंडर्स डाल रहे, जो भी अपना कोटेशन लेकर आ रहे उसको क्या बोलते हैं? बिडर्स। मस्ट बी एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, जो जो कोटेशन ला रहे वो इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर कंपनी। वर्ड कंपनी इन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर वुड, कम ऑन एवरीबडी, ओनली मीन अ कंपनी एज अंडरस्टूड अंडर कंपनीज एक्ट एंड कैन नॉट बी रेड टू इंक्लूड अ फर्म एंड देयरफॉर बिड ऑफ रिस्पोंडेंट व्हिच वाज नीदर एन इंडिविजुअल नॉर अ कंपनी बट अ फर्म वाज राइटली रिजेक्टेड बाय स्टेट। केस क्यों फाइल हुआ समझा? फर्म को दिक्कत थी, हमारा क्यों रिजेक्ट किया? तुमको रॉ मटेरियल से मतलब होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ क्लियरली टर्म्स कंडीशंस में लिखा हुआ है इंडिविजुअल या कंपनी, आप दोनों में फिट नहीं होते, कंपनी शुड बी कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, हेंस द इट इज करेक्टली रिजेक्टेड। कॉट द केस? अच्छे से समझा है? सब साथ में नाम बोलेंगे, ओके? जीवी प्रताप रेड्डी थ्रू जीपीए टीएसआर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। सो ये कंपनी के बिहाफ पे ये बंदा केस लड़ रहा था, जीवी प्रताप रेड्डी, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव। सॉरी, सो दैट इज द नेम ओनली उसका, वो ये करता है ना शॉर्ट फॉर्म, टीएसआर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि अभी ये केवीवीएसएन है वैसे, एसोसिएट्स एंड अदर्स। सो ये नाम याद रखना है, और ये आपको कहाँ पे आप लिख पाओगे? जहाँ पे वो डेफिनेशन है कंपनी का उसी केस में, ठीक है? बोलो। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ऐसे ही केस देंगे जहाँ पे वो बोलेंगे कि एक कंपनी, वो बिडर था, उसने बिड में क्लियरली लिखा था इंडिविजुअल एंड कंपनी, ऐसे देंगे, तब आपको बोलना है, इसको मेंशन करते हुए बोलना है द सेम थिंग हैड हैपेंड इन सो एंड सो केस एंड एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंपनी शुड मीन ओनली द कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। यस यस यस, नाम याद रखना पड़ता है, हर एक केस लॉ का हेडर आपको याद रखना पड़ता है, योर वर्ड नहीं, योर नहीं याद रखना, सिर्फ मेन नाम। तो अगर ऐसा भी बोला ना प्रताप रेड्डी थ्रू टीएसआर रिसर्च लिमिटेड वर्सेस केवीवीएसएन एसोसिएशन अदर्स, वो योर वर कुछ नहीं, समझ गए? नाउ एक्चुअली इट्स अ रीसेंट केस लॉ, 16 में आया हुआ है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर? यस। तो आज हमने मेनली क्या क्या किया? हमने सीखा कि कंपनी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, दो वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, को प्लस पनीस, को मीन्स टुगेदर, पनीस मीन्स ब्रेड। सो पीपल जो फेस्टिव्स पे मिलते थे वो बिजनेस भी डिस्कस करने लगे, साथ में बिजनेस करने लगे, हेंस द वर्ड कंपनी। ओके, उसके बाद हमने सीखा कि कंपनी इज कुड बी फॉर्म ईदर वाया स्पेशल एक्ट और द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या फिर वाया कंपनी लॉ। कंपनी लॉ वाली हमने देखा रिलायंस टाटा, स्पेशल एक्ट वाला LIC एंड SBI RBI, ठीक है? डेफिनेशन हमारे पास टोटल चार डेफिनेशंस है, जो मेनली बहुत अच्छे से याद रखना है कंपनीज एक्ट वाला। कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद हमने सीखा कि लीगल कंपनी के कुछ यू नो फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो लीगल फॉर्म है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स है एंड परपेचुअल सक्सेशन। देन
हमने लॉर्ड जस्टिस लिंडी का डेफिनेशन सीखा, उन्होंने कुछ उनको कहना था कि एक एओपी होता है, ओके, जो पैसा या पैसे का वर्थ साथ में लेकर आते हैं फॉर ट्रेड और बिजनेस, उससे जो प्रॉफिट होता है मिल बांटकर ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड डिसाइड्स द शेयर इन द शेयर्स दैट विल हैव दे विल हैव इन द कंपनी. शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, देयर कुड बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस. उसके बाद हमने सीखा डेफिनेशन बाय जस्टिस मार्शल. पहले चार शब्द वो बोल रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बी, इनविजिबल, इनटैंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट पजेसेस ओनली दोस प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट ईदर और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस. लर्न हो गया. एंड तीसरा वाला बाय मिस्टर जेम्स, जस्टिस जेम्स. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड विद अ कॉमन गोल ऑब्जेक्ट, एओपी फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने सीखा कि वही कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड. लॉ उसको बनाता है, लॉ उसको डिसॉल्व करता है, ठीक है. देन जेवी प्रताप रेड्डी थ्रू टीएसआर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केवीवीएस एंड एसोसिएट्स एंड अदर्स. यहाँ पे उनको कहना था कि जब स्टेट ऑफ तेलंगाना ने कोटेशंस इनवाइट किए थे, टेंडर्स इनवाइट किए थे, तो उन्होंने क्लियरली लिखा था इट हैज टू बी गिवन बाय इंडिविजुअल्स एंड द कंपनी. यहाँ पे फर्म ने टेंडर को बिड किया, टेंडर के मतलब बिडर कौन था, फर्म था, एंड हेंस इट वाज करेक्टली रिजेक्टेड बिकॉज कंपनी क्लियरली मेंट द कंपनी रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट. डन फॉर टुडे. वी कुड हैव कवर्ड मोर बट देन टाइम कंस्ट्रेंट.